अस्सलामुअलैकुम। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं जब वो प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं या वेब मोबाइल का कोर्स करने की कोशिश करते हैं, डेवलपमेंट कोडिंग सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास अच्छा लैपटॉप नहीं होता है। वो भी एक बिग हर्सल हो जाती है कि आप जब किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप उस चीज़ को उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करोगे, और आपकी मशीन स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होती है, और आपको ये लगता है कि आपको आपसे लर्न नहीं हो रहा है या ये बहुत मुश्किल है सीखना। तो उसमें एक हिस्सा जो है वो लैपटॉप या पीसी का भी शामिल होता है। आपने करना ये है कि किसी भी तरह स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक थोड़ा अच्छा लैपटॉप लेने की कोशिश करनी है। तो लैपटॉप कौन सा लिया जाए अगर आप डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो? तो ये कोई खास इसकी सजेशन नहीं होती है। इसमें ये होता है कि आप जितनी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो उतना अच्छा आपको लैपटॉप मिलेगा। सही है, आप ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लैपटॉप मिलेगा, लेकिन कितना ज़्यादा अच्छा हम कर लें स्पेंड के हमारा जो है वो अच्छा गुजारा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, जब भी आप कोई हार्डवेयर परचेज करते हो तो उसकी स्पेक्स को अंडरस्टैंड करना है। मतलब कंपनीज मैटर नहीं करती हैं, आप डेल लें, एचपी लें या कोई भी कंपनी लें, लेकिन ज्यादा मैटर ये करता है कि आप जो है वो किस पर्टिकुलर जो है वो स्पेक का लैपटॉप ले रहे हैं या कंप्यूटर ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप रैम का, आप सबको लोगों को पता होगा, रैम मैटर करती है कि अच्छी रैम होगी तो अच्छे आउटकम्स आएंगे। तो रैम अच्छी करने के लिए आपको ये करना होता है कि इसमें दो कैटेगरीज की रैम आती है, DDR3, DDR4। तो कोशिश करें कि DDR4 रैम वाला लैपटॉप ले लें, वो थोड़ी अच्छी जनरेशन में होगा बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज DDR3 भी ले लें तो चलेगा। तो मिनिमम 8 GB रैम जो है आपको कंडक्ट करनी है, अगर 16 GB हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 8 GB भी चल जाएगी, हमारे काम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद 8 GB रैम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना होता है हार्ड ड्राइव, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। सही है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस रहते हैं, जिसके अंदर हार्ड ड्राइव भी आपको मिलती है, फिर दूसरी कैटेगरी की उसकी चीज़ जिसको हम SSD बोलते हैं, वो ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जो है वो हार्ड ड्राइव, जो सिंपल हार्ड ड्राइव पहले आती थी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, रैम हो गई एटलीस्ट मिनिमम 8 GB, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर जो है हमने हार्ड ड्राइव देख लिया, तो वो आपने सिंपल नहीं लेनी है, जो पहले हार्ड ड्राइव हमारी चलती थी उसमें दो नई कैटेगरीज आ चुकी हैं, एक को हम SSD बोलते हैं, दूसरी को NVMe बोलते हैं। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में NVMe लग सकती है तो आपने उसकी ही प्रायोरिटी करनी है एज कम्पेयर टू सिंपल हार्ड ड्राइव। सही है, और अगर आपके पास जो है SSD की ऑप्शन मिलती है, NVMe समटाइम लैपटॉप्स पे नहीं लगती, तो आप SSD को प्रेफर कर सकते हैं, फिर भी आपने सिंपल जो है वो हार्ड ड्राइव परचेज नहीं करनी है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो अगर मेरे ख्याल से 256 GB हो जाए तो अच्छा है, अगर 500 GB आप परचेज कर सकते हो तो वो और बेटर है, लेकिन 256 भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आपकी हार्ड ड्राइव हो चुकी है, उसके बाद हमने देखना होता है प्रोसेसर। अच्छा, प्रोसेसर में सबसे पहली जो आपने देखनी है चीज़ कि प्रोसेसर में दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक जनरेशन और एक दूसरा उसका कोर, कि वो डुअल कोर लैपटॉप है, क्वाड कोर लैपटॉप है, ऑक्टा कोर लैपटॉप है, इसमें मल्टीपल कोर्स रहती हैं। सही है, अच्छा आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम डुअल कोर नहीं लेना है, मिनिमम आपने क्वाड कोर लैपटॉप जो है वो परचेज करना है। सही है, और उसमें क्वाड कोर जो लैपटॉप है वो परचेज कर लेंगे प्रोसेसर में, यानी कि अगर इंटेल का प्रोसेसर ले रहे हैं तो या राइजन का ले रहे हैं तो आपने देखना है कि उसमें इसकी जो कोर्स हैं वो मल्टीपल होने चाहिए, डुअल कोर लैपटॉप इनफ नहीं है डेवलपमेंट के लिए, ये वो प्रेफर्ड नहीं है, उसकी स्पीड अच्छी नहीं होगी। और दूसरा, उसकी जो जनरेशन है वो अगर आप ज़्यादा बड़ी लेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, थोड़ी हल्की ले लेंगे तो कम पैसे लगेंगे, तो वो मैटर नहीं करता। अगर आपको 4th जनरेशन क्वाड कोर मिल रहा है तो आई थिंक दैट बेस्ट केस। उसके बाद अगर आप 4th जनरेशन या 6th जनरेशन क्वाड कोर ले लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है।
लेकिन एटलीस्ट फोर्थ जनरेशन क्वाड कोर लैपटॉप हो तो ज़्यादा अच्छा है वो प्रोसेसर साइड पे। उसके बाद मैंने आपको रैम भी बता दी और SSD या NVMe लगवानी है वो ऑप्शन भी आपसे शेयर करती हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास बस यही है। बाकी कंपनीज जो हैं वो इतनी मैटर नहीं करती हैं कि SSD जो है वो कितनी, सॉरी डेल हो HP हो वो मैटर नहीं करता, किसी भी कंपनी का ले लें चलेगा, सही है। लेकिन ये चीज़, हाँ एक और चीज़ पूछी जाती है कि हम PC बनवाएं या लैपटॉप, ये भी बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर हम PC बनवाते हैं तो फिर हमें पावर बैकअप करना होता है, क्योंकि लाइट जो है वो पावर ऑलवेज हमारे एशिया के अंदर ज़्यादा जाती है, तो वो एक इशू रहता है। दूसरा, फिर अगर आप पावर का बैकअप है आपके पास UPS वगैरह या सोलर, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि हम जो है वो PC की तरफ जाएँ, फिर जिसके अंदर हम क्वाड कोर PC को अच्छी जनरेशन का फोर्थ जनरेशन बनवा लें, NVMe लगवाएं, रैम 16 GB कर लें, तो काफ़ी अच्छा PC जो है वो बन सकता है। अदरवाइज फिर जो है लैपटॉप, अगर आपके पास पावर बैकअप नहीं है तो फिर आपको लैपटॉप के ऊपर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप लैपटॉप ही परचेज करें, क्योंकि उसमें यह है कि एटलीस्ट बैटरी होगी तो कुछ ना कुछ टाइम जो है वो आपका निकल जाएगा। ये जी, आपने लैपटॉप या हार्डवेयर कौन सा परचेज करना है अगर आप प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट कर रहे हो।